नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई करदा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं TGT PGT न्यूज़ टुडे। शिक्षकों का धरना 25 जुलाई से, 1339 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024, सहायक लोको पायलट की बम्पर भर्ती, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती कट ऑफ 2024। जाने शिक्षकों का धरना 25 जुलाई से, लखनऊ पुरानी पेंशन की बहाली और शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान न होने पर शिक्षक 25 जुलाई को DIOS कार्यालय पर धरना देकर CM को संबोधित ज्ञापन देंगे। 9 अगस्त को जिले में बाइक रैली निकालकर DM के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। यह घोषणा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने शनिवार को गांधी भवन में आयोजित ग्रीष्मकालीन सम्मेलन राज्य परिषद की बैठक में कही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण का आश्वासन। BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो उम्मीदवार रिक्तों में विवरण में रुचि रखते हैं, वे पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सामान्य उम्मीदवार के लिए 100 रुपये और बाकी के लिए भी 100 रुपये है। बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये। आरक्षित अनारक्षित श्रेणी महिलाओं के अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी है तो 25 रुपये, विकलांग के लिए 40% से अधिक या 25 रुपये। शनिवार उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक शुल्क 200 रुपये भुगतान जो है ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान की तिथि जो है 25 जून से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि जो है 26 जुलाई तक है। आयु की बात करें तो अनारक्षित के लिए अधिकतम आयु 45 और पिछड़ा वर्ग और पुरुष के असिस्टेंट लोको पायलट यानी सहायक लोको पायलट की बम्पर भर्ती है, इसमें पद बढ़ा दिए गए हैं। रेलवे ने जनवरी में निकाली थी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती और इसकी संख्या को 3 गुना कर दिया है। पहले से जारी नोटिस के मुताबिक अब इस भर्ती के तहत कुल 5,696 रिक्तियों के लिए पद भरे जाएंगे और इनकी संख्या बढ़ाकर के 3618 यानी 18,799 कर दी गई है। बोर्ड जल्दी ही भर्ती की संशोधित आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करेगा और जिसमें जॉइन वाइन कैटेगरी वाइन रिक्तों की संख्या बढ़ी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB के सभी जोन को यह निर्देश दिया है कि वैकेंसी बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों को फिर से चॉइस रिवाइज का अवसर दिया जाएगा। जहां देखें जोन में कितने पद बढ़ाकर कर दिए हैं, अलग अलग जोन में पद बढ़े हुए हैं। अब यह टोटल पद जो है इनका कुल पहले 5,696 थे और अब जो है 18,799 कर दिए गए हैं। एज की बात करें तो 18 वर्ष से कम ना हो, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और आरक्षित श्रेणी वालों को छूट नियमानुसार दी जाएगी। और शुल्क की बात करें तो 250 रुपये और अन्य और सभी के लिए 500 रुपये शुल्क है। भर्ती की प्रक्रिया में जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, CBT 1 और CBT। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कट ऑफ 2024 जाने श्रेणीवार न्यूनतम अंकों की जानकारी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये कट ऑफ को जो है चेक करना होगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विभाग प्रोविजनल आंसर की और रिजल्ट के साथ कट ऑफ की भी जारी करेगा। कट ऑफ जारी किए जाने के बाद पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको इसको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कट ऑफ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों से न्यूनतम योग्यता अंकों के अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इस भर्ती में आगे बढ़ने के पात्र होंगे। कट ऑफ राजस्थान पुलिस विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पर कट ऑफ जारी नहीं की गई है, यह शीघ्र ही जारी हो जाएगी। हालांकि सामान्य OBC के लिए न्यूनतम 3% जो है 40% रहेगा, जबकि SC ST और PW के लिए 36% हो सकता है। राजस्थान पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा पहले चरण के रिटर्न एग्जाम में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की पहचान के लिए न्यूनतम 3 अंकों की घोषणा की जा चुकी है। जो उम्मीदवार कट ऑफ अंकों को या उससे अधिक अंक प्राप्त करेगा वही उम्मीदवार भर्ती में आगे के TGT और PGT 2022 एग्जाम डेट की घोषणा नेक्स्ट वीक हो सकती है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।